नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तो क्या मैं बच्ची नहीं?
अरे पगली कहीं की, मैं कहता हूँ ये सब बच्चों के लिए तंग कर रही है। तेरी माँ पागल, तेरा बाप पागल, दादा पर दादा पागल। चलो जल्दी चलो किसी तरह। गुफाएं हैं, तुम में से कोई उधर नहीं जाएगा, वहां जाना खतरनाक है। नंबर दो, वो जो सामने खंडर है उसमें भूत रहते हैं। हाँ, इसीलिए लोग उसे भूत घर कहते हैं। तुम में से कोई विद्यार्थी उधर नहीं जाएगा, समझ गए? जाओ, 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 खेलो, जाओ। मेरा, अरे तेरा ध्यान किधर है? तुम और मैं इकट्ठा खेला करें, मैं बहुत से खेल जानता हूँ, समझे? कौन है ये कबूतर? कल ही आया है स्कूल में, बड़ा रुबाब जमा रहा है वैनी पर। चलो रानी, चोरों को तो अच्छे लो। चलो तो कोतवाल कौन बनेगा? कोतवाल मैं बनूंगा, रहीम चोर और तुमसे सिपाही। तुम क्यों? मैं बनूंगा कोतवाल। कोतवाल मैं बनूंगा। कोतवाल मैं। ठहरो, कोतवाल वो बनेगा जो सबसे ज्यादा बहादुर और निडर है। मैं शेर से भी नहीं डरता। मैं भी नहीं डरता। फैसला करने का एक ही तरीका है, जो बहादुर है और नहीं डरता वो भूत घर में चले। ओह गॉड, भूत किसी को चिमट गया तो बस उसकी छुट्टी। क्यों डर गए सारे भूत से? मैं भूत से नहीं डरता, मास्टर जी से डरता। डरपोक नंबर वन आउट। चलो हम भी चले। क्या? अरे भूत क्या, मैं भूत के बाप से नहीं डरता। तुम भूत के बाप से नहीं डरते? मैं तुमसे नहीं डरता। तो फिर चलो। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। तो तुम जाओ। चलो, और अगर मास्टर जी को पता चल गया तो चुपके से उन दरख्तों के पीछे हो चलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो चलो, तुम भी चलो। डर गए? डरा नहीं, ड्रामा करो। ड्रामा नारियल। भूत अगर आ जाएगा तो फिर करोगे क्या? अरे आ, अरे आ। भूत ने पकड़ लिया तो फिर करेंगे क्या? अरे जा, अरे जा, अरे जा। भूत नहीं, मैं हूँ। यहाँ क्या करने आए थे? चलो मास्टर जी के पास। चलो चलो चलो। Thank you.
darling, my wife. Hello. Hi. How beautiful you are. हाथ मत लगाना मुझे. You want to ruin my beauty? Get out. ऐसा मत कहो, darling. Tom picnic से वापस आ जाएगा. तो मुझे फिर से daddy बनकर बैठना पड़ेगा. रात को भी वही मुसीबत. Darling, अपनी और मेरे bed के दरमियान तुमने Tom का bed लगा दिया. अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं बताऊं? बताओ. तुम एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए. मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ. ओके, बाय बाय. बाय बाय. हाँ, मैं मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में जाना चाहती थी. तुमने मुझे मिस यूनिवर्स से माँ बना दिया. कितनी अच्छी बात है. क्या अच्छी बात है? मेरी वेस्ट लाइन 26 इंच की थी, तुमने उसको 58 कर दिया. यू आर ए बिग बीस्ट. मेरे सारे चांसेस खत्म कर दिए. मुझे पूरे 10 साल लगे हैं. 10 ईयर. किस लिए? अपनी वेस्ट लाइन को ठीक करने के लिए. मम्मी. 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 शट अप. क्या हुआ मम्मी? फिर वही नॉनसेंस. कितने दफे कहा है तुमको कि दूसरों के सामने मुझे सिस्टर कहा करो. सिस्टर. मदर को सिस्टर. व्हाई? इसलिए कि मैं मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती हूँ और नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं मिस नहीं हूँ. यू आर मैरिड. यू हैव नो मैनर्स एट ऑल. जब मैं काम से बात कर रही हूँ तो बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ. लेकिन मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनना चाहती. ये प्रूफ है. कोर्ट में डिवोर्स नहीं मिलेगा. क्या? जिनके माँ बाप नहीं वो उनके प्यार को तरसते हैं. मेरे मम्मी डैडी दोनों हैं मगर मुझसे प्यार नहीं करते. आपस में लड़ते रहते हैं. ओ गॉड, हैव मर्सी ऑन अस. माँ कितनी प्यारी होती है और हम दोनों की मां नहीं है. रहीम बेटे. अब्बा. रहीम. अब्बा. जी आशा. अब्बा, आज हमने बहुत मजा किया. अच्छा. हाँ. नमस्ते हसन अंकल. जीते रहो बेटा. आओ चलो तुमको घर तक छोड़ दूँ. थैंक यू अंकल. अरे बेटा थैंक यू किस बात का? जरा बाप श्यामलाल जिंदा होता तो तू टांगे की बजाय गाड़ी में सवारी करता. चलो आओ बैठो. चलो 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 चलो. अब्बा. हाँ. आज मैं टांगा. अच्छा बेटा. अरे वाह पाशा, चाल दिखा दे बच्चों. हाँ वो लुंगी वाले जैसा. हाँ हाँ निकला भाषा. चाल है खुदला 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 खुदला. हम कर सकते हैं ना. हाँ सुन रहा हूँ दुनिया. अरे रुक अरे रुक. चल 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 चल. क्या बात है. अच्छा अच्छा अच्छा. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज बेटा. हाँ चलो भाषा. हाफिज. आशा. हाँ. अरे छोड़ मुझे. क्यों? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्या? ये कैसा प्यार? किसी दिन मेरा दम घुट के रह जाएगा. अरे वहां खड़ा क्या कर रहा है? ना मेरे पिताजी की जान जाती और ना मेरी माँ मरती. ये आज तुझे क्या हुआ है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती. क्या? तू इतना सा था जब तेरी माँ मरी थी. तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किसने किया? बोल. मैं तुझे प्यार नहीं करती. हाँ लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि और बच्चों के माँ बाप करते हैं. मैं ये घर छोड़ के भूत घर में चले जाऊंगा. भूत घर? मैं किसी भूत भूत से नहीं डरता. मैं उसके अंदर अकेले घूमने भी गया था. तू जानता नहीं किसी भूत परत ने तेरे पिता की जान ली थी. लेकिन लोग कहते हैं मेरे पिता का खून किसी आदमी ने किया था. अगर किसी आदमी ने किया होता तो पुलिस आज तक उसे पकड़ न लेती. और जो कुछ मैं कहती हूँ वो तेरे दिमाग में नहीं आता. कान खोल कर सुन ले. अगर फिर कभी उस टापू की तरफ गया तो रस्सी से बांध कर उल्टा लटका दूंगी. हाँ समझा? चल भाग. मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल ले. हे भगवान, मैं इस बच्चे का क्या करूं? मैंने अपनी मरती हुई बहन को वचन दिया था मैं राम को अपनी जान की तरह संभाल कर रखूंगी.
इसे कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि इसके माँ बाप नहीं है, लेकिन ये इतना निडर और लापरवाह है, मेरी जान कांपती रहती है इसे कुछ हो न जाए। इसे काबू में रखने के लिए मुझे अपना मन मारना पड़ता है। मेरे दिल में ममता का समुंदर है जिसे मैंने बंद कर रखा है। डरती हूँ ज्यादा लाड़ प्यार से ये बिगड़ ना जाए। मेरे राम की रक्षा करो भगवान, मेरे बच्चों को ज्ञान दो। हाँ, ये लो। अरे नंबर वन मेरे लिए जल्दी से डबल पैक लेके आना। अरे तुम गोल कुंडा ही पिला दो। अरे कभी कभी अंग्रेजी भी पी लिया कर। अबे लॉर्ड फॉकलैंड की औलाद, जो अपने देश से प्यार करता है ना वो देसी ही पीता है। तू अंग्रेज की औलाद है तो अंग्रेजी ही पिया कर, समझा? अरे दारू कम पियो और पत्ते ज्यादा खेलो। बिहारी लाल जी, मैं दारू कम पीऊँ या ज्यादा आपको इससे क्या, मैं अपना गम गलत करने के लिए पीता हूँ। अरे तेरी तो बीवी कभी की मर चुकी है, तुझे किस बात का गम? अपनी गरीबी का। गरीबी में बीवी का साथ था, वो तो चल बसी, अब पत्तों का साथ है। और पत्तों में मैं इतना हार चुका हूँ कि अपना मकान तक नेकी राम के पास गिरवी रखा है, इसलिए मकान का गम। नेकी राम आ रहा है। दो महीने से नेकी राम को ब्याज का पैसा नहीं दिया है, इसलिए ब्याज का गम। अब इसका भी गम खाओ और दारू पियो। बस सोडा नहीं चाहिए। अब हुई ना कुछ बात? ये लो अपने अपनी तनख्वाह। हमें ज्यादा रुपया चाहिए। बॉस का यही हुक्म है। फिर हम धंधा नहीं करेंगे। क्या? पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मार हम लाते हैं। बॉस क्या करता है? सिर्फ मुनाफा खाता है। हमें नहीं मुनाफे में हिस्सा चाहिए। ना काफी है कि और भी चाहिए? बॉस ये कहते हैं अगर हमें ज्यादा रुपया नहीं मिलेगा ना हम धंधा करेंगे ना हम माल लाएंगे। तुमने कहा? नहीं बॉस, मैंने नहीं, कुंदन ने। कुंदन? कुंदन नहीं कह सकता। कुंदन जानता है कि हमारे पास माल बनाने का और भी तरीका है। कुंदन जेल से भागा हुआ कैदी है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम का ऐलान कर रखा है और हम जब चाहें उस इनाम को हासिल कर सकते हैं। क्यों कुंदन? मेरा गिलास बनाओ। दाँत बाहर निकल आएंगे। फिर तेरा मुंह।
अगर मैं चाहूँ तो तुम तीनों को यूँ खत्म कर सकता हूँ। अबे हम तीनों मिलकर तेरी चटनी बना देंगे। तीनों की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही इसे ठीक कर सकता हूँ। ये बात है। हिम्मत है तो इस लकीर के आगे आगे देख। तू कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला? जा जा बुजदिल कहीं का। तुझे बुजदिल कहता है? बड़ा आगे कदम। पानी आ सकता है, उसे जिस नल के नीचे रखा गया है वो नल एक मिनट में एक गैलन पानी देता है, लेकिन बाल्टी के पैने में सुराख है जिसमें से एक मिनट में एक बटा चार गैलन पानी बह जाता है। बताओ बाल्टी कितनी देर में भरेगी? रहीम खान तुम बताओ। सर वो कोई बेवकूफ होगा जो टूटी हुई बाल्टी में पानी भरेगा। तुम्हारा मतलब है मैं बेवकूफ हूँ? यस सर। हाँ नो सर, सवाल ही गलत है। अबे गधे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा को भी मैं यही सवाल करवा चुका हूँ, गलत कैसे हो चुका है? इस किताब में छपा हुआ है। किताब की बात और है सर, मेरे भी घर में एक ऐसी बाल्टी है, लेकिन मैं उसका सुराख बंद करके पानी भरता हूँ, बाद में बादशाह को पिलाता हूँ। बादशाह? कहाँ का बादशाह? सर बादशाह नहीं मालूम, रहीम के घोड़े का नाम बादशाह। राम। यस सर। कहाँ थे तुम? ये वक्त है तुम्हारा स्कूल में आने का? बात ये है सर। तुम्हारा सर, सवाल मैं राम से पूछ रहा हूँ और जवाब तुम दे रहे हो। सिट डाउन। सर आज माफ कीजिए ना। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी और ऐसी सजा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी। आज तुम लड़कियों के बेंच पर बैठोगे। वो जगह खाली है, वहां बैठ जाओ। सो कोलंबस स्पेन देश का निवासी था, उसका जन्म सन 1451 में जनेवा नामक स्थान में हुआ। उसका पिता डोमिनो को कोलंबस एक साधारण जुलाहा था। आरंभ में कोलंबस ने भी अपने पिता के साथ काम किया। 14 वर्ष की अवस्था में वो समुद्र यात्रा के लिए निकल पड़ा और लेवंत बंदरगाह तक की यात्रा की। सन 1470 ईस्वी में वो पुर्तगाल चला गया और लिस्बन में रहने लगा। वहां उसने फेलिपा मेनिज से विवाह कर लिया। वो सन 1482 ईस्वी के पुर्तगाल सामुद्रिक खोज दल का भी सदस्य था। अरे मुनिया तू बता मैं कौन हूँ, अरे दुनिया तू बता मैं कौन हूँ, अरे मुनिया तू बता मैं कौन हूँ,
हरी दुनिया री दुनिया तू बता मैं कौन हूँ। सिकंदर हूँ कलंदर हूँ मछंदर हूँ के बंदर हूँ पहचानो जानो मैं कौन हूँ। पहचानो जानो मैं कौन हूँ। वह रूपियों का जग डेरा है, वह रूपियों का जग डेरा है, चेहरे के अंदर चेहरा है, बाहर वाला है दुनिया का और अंदर वाला मेरा है। जुआरी हूँ पुजारी हूँ भिखारी हूँ शिकारी हूँ पहचानो जानो मैं कौन हूँ। अरे मुनिया तू बता मैं कौन हूँ। अरे दुनिया री दुनिया तू बता मैं कौन हूँ। सिकंदर हूँ कलंदर हूँ मछंदर हूँ के बंदर हूँ पहचानो जानो मैं कौन हूँ। मैं कोई खिलौने वाला हूँ, मैं कोई खिलौने वाला हूँ, क्या जादू टोने वाला हूँ, देखो ना तंग करो मुझको वरना मैं रोने वाला हूँ। मैं झूठा हूँ कि सच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ कि काशी सच्चा हूँ। पहचानो जानो मैं कौन हूँ। पहचानो जानो मैं कौन हूँ। मेरे पास उधर पैसा नहीं है। ओई माँ, अपनी सिगरेट में पैसे फूंक सकता है लेकिन बेचारी बीवी के लिए 10-20 पैसे नहीं तेरे। काम करना अपना काम पगली कहीं की। पागल तू, पागल तेरा बाप तेरी माँ। अड़ाने का फूल दो। लो ये दो हार दे दो। तेरे लिए मेरे पास फूल नहीं। क्या कहती है, मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, मैं खूब जानती हूँ तेरा मंदिर। घर में खूबसूरत बीवी बैठी है और तू उस चुड़ैल के पास मरता है। ले भाग। भाई कमाल है इस लड़की का, कभी तो एक पैसे के लिए गर्दन पकड़ लेती है और अब पैसे उठा उठा के फेंक रही है। फूलों की तकदीर ही अजब है, वही फूल भगवान के घर जाते हैं और वही वैश्या के घर। मां फूल चल चल। अरे सुन इधर आ, कैसी माँ है तू, बच्चे का दिल चाहा और तू इसे एक फूल भी नहीं दिला सकती। गरीबों के पास खाने के लिए पैसा नहीं तो फूलों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तुझसे पैसे मांगे किसने, ले तू मेरे पास से रोज ले जाएगा। हुँ?
कितना अच्छा लगता है। देख तो मेरी दुल्हन कितनी प्यारी दिख रही है। बाबा आ गए, चल अपन छुप जाते हैं। चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारू। बस कितनी अच्छी बंसी बजाता है मेरा बेटा, नहीं बड़ा होकर तानसेन बनेगा क्यों? चलो बच्चों अब बाबा को सोने दो, वो बहुत थक गए हैं। नहीं मैं बाबा के साथ सोऊंगा। मैं भी बाबा के साथ सोऊंगी। ओहो अब चलो भी। नहीं 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 चलो उठो मेरा। अच्छा 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 ठीक है, ये दोनों यहीं सोएंगे, तुम जाओ सो जाओ अकेले। तुम क्यों हंस रहे? तुम दोनों क्यों हंस रहे? बाबा देखो पिताजी का खत आया है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? ये तो नहीं लिखा मगर जल्दी आने के लिए कहा है। ठीक है तो फिर तुम आज शाम को ही चले जाओ। उन्होंने लिखा है कि मीरा और सूरज भी मेरे साथ चले। बच्चों को भी ले जाओ। सर जल्दी लौट आना, इनके बगैर मेरा जी नहीं लगेगा।
पागल मैंने ये आवाज लगाई, गल गल मैंने ये आवाज लगाई, हाय रे सुने न कोई मेरी ये दुहाई, मेरे खिलौनो मेरे यारो आओ मेरे साथ पुकारो, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आए और नीर बहाकर चले गए, पर तेरे नैनू का नीर अभी तक नहीं सूखा। ले, तो बिना पैसे लिए क्यों जबरदस्ती हर रोज ये फूल दे जाती है? चंदा तुझे ठंडी ठंडी चांदनी देता है, सूरज हंसता हुआ सवेरा देता है, तू क्या उन्हें पैसे देता है? इंसानों की बात और है लाजो, मगर मेरी बात और है। ले, एक अजीब पहेली है जो मेरी समझ में नहीं आती। समझेगा कैसे, तूने तो अपनी जिंदगी भी पहेली बना रखी है। तू गुजरे जमाने की परछाइयों में घिरा है काशी, इन परछाइयों से निकल के तो देख। तू क्यों परेशान होती है मेरे लिए? तू खिलौने बनाता है काशी, उसी माफिक भगवान के हाथों में हम भी खिलौना है। वो खिलौने बनाता भी है और उन्हें तोड़ता भी है। नहीं लाजो, ये नहीं हो सकता। खिलौने बनाने वाला तो अपने खिलौनों से प्यार करता है, उन्हें तोड़ता नहीं। खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आओ मेरी आंख के तारो कहाँ गए ओ मेरे प्यारो, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, मचाती है ये बरखा दीवानी, बरसा घटाओं से लाखों मन पानी, मेरी तरह तुम कब रोए हो ओ सावन के नजारों, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे।
भरी है गलियों से हर बाग की डाली, भरी है गलियों से हर बाग की डाली, मेरी तो झोली में छीन लिए वो भी कहे तुमने ओ बेईमान बहारो। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई। गोरी चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारो। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आँख के तारों कहाँ गए हो मेरे प्यारों। चाचा, तुम्हें क्या हो जाता है चाचा? दिन डूबता है और तुम आंसू में डूब जाते हो। तुम्हारा गीत और बंसरी भी उदास हो जाती है। बोलो ना चाचा, क्यों? दिन में तुम कितना खुश रहते हो, कितना हंसाते हो, कितना हंसते हो। बच्चों, दिन में तो तुम सब मेरे पास रहते हो। तुम्हारा बचपन फूलों की तरह हंसता है और मैं भी हंसता हूँ, लेकिन रात को मैं बिल्कुल अकेला रह जाता हूं। कोई नहीं मेरे इस दुनिया में। तुम जैसे मेरे भी बच्चे थे जिन्हें तकदीर ने छीन लिया। कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने से क्या होगा? सोच लिया क्या? हमें बच्चा पैदा करना चाहिए। कर रहे, बिल्कुल ठीक। लेकिन बच्चा पैदा कैसे होगा? मुझे एक दिन मेरी मौसी ने बताया था, ये सवेरे सवेरे खेतों में जाए जहाँ गोभी के फूल उगते हैं वहाँ बच्चा मिल जाता है। मेरे पिताजी मुझे वहीं से लाए थे। तुम्हारी मौसी ने झूठ कहा, मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, वो कहती है बच्चा गॉड देता है, हमें चर्च में जाकर प्रेयर करनी चाहिए। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मेरे अब्बा कहते हैं बच्चा पहले बंदर होता है। अब्बा मुझे बंदरों में से उठा के लाए थे। मगर बंदर की तो तुम होती है, तुम अब्बा ने काट दी थी। तुम सारे पागल हो, बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से। वो कैसे? पेट फूल के इतना बड़ा हो जाता है। मेरी मम्मी कहती है मेरा भाई होने वाला है। अरे इसका मतलब है हमें किसी औरत से कहना पड़ेगा। फिर तो काम बन गया, तुम एक बच्चा पैदा करके हमको दे दो। अच्छा, अरे नहीं रे, तो फिर क्या करें? आइडिया करेक्ट। छोड़ भी बिटिया, तू हर वक्त मेरी देखभाल में लगी रहती है, कुछ अपने लिए भी तो सोचा कर। क्या माँ? कितनी बार कहा है, मेरी तो आंखें नहीं, तुम कोई लड़का देख ले अपने लिए। तू क्यों परेशान होती है माँ? क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा बिटिया। सोचती हूँ ये दुनिया छोड़ने से पहले तेरा हाथ किसी के हाथ में देती जाऊँ। मेरी भोली माँ, शादी ब्याह कोई अपने करने से थोड़ा होता है। तो फिर जोड़े तो भगवान बनाता है। लजाती, 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 लजाती।
आजो आंटी। नमस्ते आंटी। उए ना, तुम्हें क्या बावले कुत्ते ने काट खाया है? क्यों आंटी? मुझे पगली आंटी नहीं कहा? तुम्हें पगली कौन कह सकता है? तुम तो हमारी अच्छी आंटी हो। अच्छी आंटी हूँ, सच सच बताओ क्या बात है? हमें तुमसे कुछ काम है। अपने मतलब के लिए नमस्ते लाजो आंटी। अब बोलो क्या काम है? पहले तुम वचन दो कि जो हम कहेंगे वो तुम जरूर करोगे। ऐसा क्या काम है? पहले तुम वादा करो ना। तुम तो बड़ी स्वीट आंटी हो। अरे हट, अपने मतलब के लिए खुशामद करता है। तुम वादा नहीं करोगे आंटी तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं चाहे हम मर जाए। हाँ ना बाबा ना, मैं वचन देती हूँ तुम जो कहोगे करूंगी। बस चलो उठो। अब बोलो आंटी। काशिचाचा बहुत उदास रहते हैं, उनके पास कोई बच्चा नहीं। तुम जल्दी जल्दी एक बच्चा पैदा करके उन्हें दे दो ना। कोई माँ बच्चा? क्यों आंटी? अरे धट, न शादी न ब्याह, कुंवारी लड़की को बच्चा कैसे हो सकता है? चलो भागो यहाँ से। भाग जाने दे माँ, तू अंदर जाके बैठ। बच्चे आंटी तुमने वचन दिया है, तुम्हें वचन पूरा करना ही होगा। आंटी जी स्कूल की देर हो गई तो मास्टर जी हमें पीटेंगे। जल्दी से कह दो ना। हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं। देखो हम तुम्हारे पाप पड़ते हैं। बस बस। अच्छा बाबा बच्चा होगा तो तुम्हारे काशी चाचा को दे दूंगा। थैंक यू आंटी। राजू आंटी। बच्चा जरा जल्दी पैदा करना है। काशी चाचा अब तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए और कभी उदास नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अभी हुआ नहीं चाचा, पर बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चा। बच्चा? हाँ वो पगली आंटी है ना, उसने वादा कर लिया वो जल्दी जल्दी एक बच्चा पैदा करके तुम्हें दे देगी। हम सबने जाकर उसकी मिन्नत की, हाथ जोड़े कि हमारा काशी चाचा बहुत दुखी है क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं। अब तो तुम खुश रहोगे ना चाचा? तुम रो रहे हो चाचा? तुम रोओगे? मेरा इतना ख्याल है। जब हम उदास होते हैं तुम हमारे लिए खुशियां लाते हो, हमें हंसाते हो, हमारे आंसू पोंछते हो, तो क्या हमारा फर्ज नहीं तुम्हारे आंसू पोंछना? फिर कभी नहीं रोगे। तुम्हें हमेशा हंसना चाहिए, तुम रोगे तो हम भी रो देंगे। हंस रहे हो तो फिर आग में आंसू क्यों है? ये आंसू कहाँ है? ये तो पानी है। मेरी आंख में है ना किसी बुढ़िया का सफेद बाल गिर गया था। नजर नहीं आ रहा फूफा? जो समा ये क्या हो गया चाचा? आगे खोलो, आगे खोलो। नहीं खोल रही। नहीं खोल रही? हाँ पोपा पोपा। अरे ये जुल्मी क्यों जवानी को जलाता है इस आग में? ये तो जिंदगी का सहारा है लाजा। सहारे तो और भी हैं जिंदगी के, जरा आंख उठा के तो देख। फूल लेकर आई है? ला दीजिए फूल। वो तीनों नटखट बच्चे हैं ना, उन्होंने जबरदस्ती बच्चा ले लिया मुझसे। काशी अगर तेरा दुख और मेरा सुख एक हो जाए तो तू कभी उदास नहीं होगा। सचमुच पगली है। उई माँ, तूने मुझे पगली कहा? एकदम पगली। अप्पा, खाना। ओहो, हजार दफा कहा कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे टोका मत कर। तू खाना खा ले, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ अब्बा को क्या जरूरी काम है। शराब पीना?
और जो अकेला। हेलो डार्लिंग, ये आधी रात को सैड सॉन्ग क्यों गा रहे हो? हैप्पी सॉन्ग गाने का चांस ही कहाँ मिला? मैं तो बच्चे को सुला रहा था। तुम्हारे गाने से नींद आएगी नहीं, भाग जाएगी। आई एम सॉरी, हमेशा तुम पर उल्टा ही असर होता है। तुम ड्राइंग रूम में जाके सो जाओ ना, मैं बच्चे को सुलाता हूँ। तुम्हें गाना गाने का इतना शौक हो तो तुम ड्राइंग रूम में जाके गाना गाओ, बच्चे अपने आप सो जाएगा। बच्चे सो जाओ, तुम भी सो जाओ। क्या उधर जाके अपने बिस्तर पे सो जाओ, नींद नहीं आती। We will come in my dreams. Don't disturb. Show. Color straight. जिस दिन मुझे पैसा पड़ा ना, मैं तुम्हें को धोके पी जाऊंगा। अरे दूसरा जन्म चाहिए। Number one. Yes. हमको डबल पैसे में क्या होगा? अरे इतने क्यों पीता है? ये मेरे भी एक रुपए की प्लान। अब्बा। मैं पैक हो गया। अरे बेटा, ये जगह बच्चों के लिए अच्छी नहीं, जो घर के बैठे। अरे खेलो ना यार। अरे खेलता हूँ। दो रुपए तीन। ये मेरी एक रुपए की प्लेट। बेटा तू कुछ पिएगा ठंडा? एक दो रुपए की प्लेट। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप घर चलिए। चलो ना यार, चलता हूँ ना। इतनी जल्दी क्या? ये मेरी एक रुपए की प्लेट। दो रुपए की चाल और। ये मेरी एक रुपए की और प्लेट। ये दो की चाल और। अब्बा बस करो, घर चलो, खाना ठंडा हो रहा है। खाना खाना खाना, मुझे नहीं खाना, तू रहती खा ले, चल तू खा। अब्बा तुम्हारी वजह से मुझे भी रोज ठंडा खाना खाना पड़ता है, आज मैं तुझे नहीं खेलूंगा। अब्बा खाने को दाल मांगते हैं तो मैं गोश्त पका के खिलाता हूँ। अब्बा कभी अंडा मांगते हैं तो मैं किसी की मुर्गी चुरा के ला के खिलाता हूँ। हम दोनों अब्बा का कितना काम करते हैं, लेकिन अब्बा सारा दिन तो तुम्हें चाबुक मारते हैं, और आज मुझे भी एक थप्पड़ लगा दिया, ये देख। लेकिन तू फिक्र ना कर बादशाह, आज हम दोनों अब्बा को सबक सिखाएंगे। अब्बा जब आएंगे ना, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। शाबाश। देख लेना अब्बा का रंग, इस हालत में खुद अपना खाना ले सकते हैं वो? आज तो वो भूखे सो जाएंगे। अब तो जाना ही पड़ेगा, क्या मुसीबत है। रहीम, ये कहाँ का रहीम? ठंडी रोटी है रे, कैसा बना रहता है तू खाना? बहुत भूख लगी है रे, बहुत भूख लगी है। तूने खाना खाया? मैं पूछता हूँ, तूने खाना खाया कि नहीं? अरे जवाब क्यों नहीं देता? तूने खाना खाया? ये मेरा हुक्म है, मैं तेरा बाप हूँ। बाप बाप तुम जरूर हो, लेकिन मैंने तुम्हें पाला है। रोज सवेरे उठ के तुम्हें मैं जगाता हूँ, सारा दिन तुम्हारे लिए खाना मैं पकाता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें खाना मैं खिलाता हूँ, और तुम मुझे थप्पड़ मार दो। बेटा, काशी चाचा,
तुमने तो कहा था तुम कभी भी उदास नहीं होगे। मैं अपने बच्चों को गाना सुना रहा था, उनसे बातें कर रहा था। बच्चों से बातें कर रहे थे? लेकिन वो तो मर चुके हैं। उनकी आत्मा यहाँ भटकती है, जब तक मैं गांव नहीं उन्हें चैन नहीं आता। हम मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकते हैं? हाँ, अगर प्यार हो तो सब कुछ हो सकता है। मैं अपने पिताजी की आत्मा से बात कर सकता हूँ? अपने दिल के टुकड़े से कौन बात नहीं करेगा। तुम्हारे पिता की आत्मा है ना, भूत घर में भटकती होगी, जैसे मैं भटकता हूँ अपने बच्चों के लिए। ये तकदीर भी कितनी जालिम है, किसी के माँ बाप छीन लेती है और किसी। कुंदन पुलिस संभाल के, सामान गिरने न पाए। हाँ ठीक है, निकालो 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 जल्दी। कुंदन तुम सामान को लेकर चलो, मैं इनको धोखा देने की कोशिश करता हूँ। पिताजी, जी चाहता है आप सदा मेरे पास रहें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं पिताजी। आपकी जान किसने ली है, भूत ने या किसी आदमी ने? अगर किसी आदमी ने आपकी जान ली है तो मुझे बताइए, मैं उसे बदला लूंगा, उसका खून कर डालूंगा। बात बराबर है, जा चलो। पिताजी, आप चले गए पिताजी। लाजो बिटिया, आई माँ। भगवान, मेरी लाजो का क्या होगा? क्या माँ? क्या कर रही है रसोई में, खाना खा लिया कि नहीं? पहले काशी के लिए कांजी बना लूँ माँ। काशी? तुझे तो सारी दुनिया का फिक्र है, लेकिन तेरी फिक्र कोई नहीं करता बिटिया। यही तो मुसीबत है माँ, ये दुनिया बिन डॉक्टर दवा खाने के माफिक है, जिसमें रोगियों की भीड़ लगी हुई है, मगर कोई ये नहीं जानता कि उसके दुख की दवा कौन सी है। तेरी बातों का जवाब तो भगवान भी नहीं दे सकते बेटी। आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। डार्लिंग, मैं हैंडसम लग रहा हूँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरे प्यारे 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 जॉन?
मेरी जान। Now I will be good to you. Really? अभी नहीं। फिर कब? बताती हूँ। मेरे साथ आओ। कहाँ? आओ तो। Johnny darling, promise करो that you will be also good to me. जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करोगे। Promise. You know, my friend is about to come now. उसके सामने मैं तुम्हारी मिसेज नहीं। तो फिर क्या? Miss. Miss. Miss, then you give me kiss. Okay. Oh God, 12 साल के बाद लगता है कि really I'm in heaven. अरे ये क्या कर रही हो? देखो डार्लिंग, तुम जरा जल्दी से गरम गरम चाय बना लो और थोड़े से पोटैटो चिप्स भी प्लीज। हाँ हंसते हंसते योर ऑनर, दिस इज माई वाइफ एंड हियर इज अ नाइफ, दिस इज माई लाइफ। मिस लिली, मिस्टर कुमार, आई एम वेरी हैप्पी आप आ गए। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने आने के लिए लेटर लिखा था, आपका लेटर भी इतना ही खूबसूरत था जितनी के आप, इसीलिए तो मैं फौरन चला आया। मैं इसलिए आया था कि सॉरी डार्लिंग, कितने कप चाय लाऊं? दो कप। सुना नहीं, जॉन, दो कप। जॉन, अब भी लाता हूं मैं। मिस्टर कुमार आइए आइए ना आइए। मिस लिली, आपको ये डार्लिंग देने वाला कौन था? ये हमारा बहुत ही पुराना बटलर है। मैं बटलर हूँ? बटलर? हाँ, मुझे बचपन से ही डार्लिंग कहता है। हाँ, ओ आई सी। बैठिए, तशरीफ रखिए ना। मिस्टर कुमार, आप तो रियली बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। मैं आपसे यही कहने जा रहा था। मिस मालती, जिसकी फोटो अक्सर आप हमारी मैगजीन में देखती हैं, जो देखने में खूबसूरत नहीं है। अच्छा? लेकिन फोटो में बड़ी दिखाई देती है। उसकी रीजन, मैं फोटो ऐसे एंगल से लेता हूँ कि चार चांद लगा देता हूँ। मिस लिली, मम्मी, आप तो मिस, मेरा मतलब है कुमारी हैं। हाँ हाँ, मेरी शादी कहाँ हुई है? ये तो मेरा छोटा भाई है। हाँ, स्कूल में पढ़ता है। बेटे को भाई? असली बात ये है मिस्टर कुमार कि इसे मेरी मम्मी से बहुत प्यार था, इसे आदत पड़ गई है। जैसे घर में आता है दो एक मरतबा मम्मी 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 पुकार लेता है। क्यूट टॉम। यस सिस्टर। सो स्वीट बॉय ही इज। जाओ बेटा होमवर्क कर लो। जाओ भैया जाओ। What nice curves. Curves? अच्छा, ठहर, अब भी मैं तुझे अपने कर्ज बताता हूँ। जरा पूछ लीजिए। ऐसे नहीं, यहाँ बैठ के। उधर नहीं, यहाँ जरा मुस्कुराइए। जरा मुस्कुराइए। ऐसे नहीं, आपके होंठ इतने रसीले हैं, जरा बंद कीजिए इनको। एक्सेक्टली, बिल्कुल यही चाहिए। वर्गोलैक्स फोटो खींचने हैं, अभी खींच पाता हूं। हाँ मिस लिली, नाउ सेम ब्राइट स्माइल, ब्राइट स्माइल, द स्ट्रेटन अप, आई मीन दैट सेक्स अपील। हाँ दैट्स इट, नाउ डोंट मूव, स्टडी, थैंक यू। हाँ तो मिस लिली, एक और नहीं, सिंपल नहीं, प्रोफाइल जरा बाजू पीछे कीजिए, थोड़ा स्ट्रेटन अप, दैट सेक्स अपील। डार्लिंग क्या है? जॉन, जॉनी तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जॉन? डार्लिंग तुम्हारा दोस्त किधर है? ओह, आप तो बिल्कुल ही नीचे गिर गए। उठिए उठिए उठिए। अरे पैर हटाओ इडियट। उठिए ना। मैं कैसे उठूंगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर कुमार। नॉनसेंस, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मुझे भी माफ कर दीजिएगा, चाय लीजिए ना। शट अप। आइए आइए चाय पी लें। आइए 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 मिस्टर कुमार। बैठिए, आपको दिखता नहीं क्या? स्टूपिड ब्लाइंड, बैठिए बैठिए मिस्टर कुमार। थैंक यू, आप लोगों के लिए चाय ला रहा हूं।
जी तुम चाय रख दो एंड गेट आउट। जाओ पीजिए ना मिस्टर कुमार, पीजिए। थैंक यू थैंक यू। चाय अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, आपकी तरह मीठी। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। मिस लिली, इफ यू डोंट माइंड, अब आपसे कुछ प्राइवेट बात हो जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब है मेजरमेंट्स। ओह, 36, 26 and 36 wonderful, बहुत खूब, बहुत अच्छे। आपको तो मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा। ओह हाँ मिस्टर कुमार, बचपन से मेरी भी यही तमन्ना है कि मैं मिस यूनिवर्स बन जाऊँ। क्यों नहीं मैं आपको बहुत मदद कर सकता हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं मिस ली, आपके लिए और चाय लाऊं? नो, गेट आउट, यू गेट आउट। प्लीज डोंट डिस्टर्ब जॉन। आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। लेकिन आपने इंटरव्यू तो मेरा दिया ही नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगा। बाय 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 बाय। क्या कहा तुमने? मिस्टर कुमार की चाय में परगोले डाली? तुम किसी मदद से मिलो, ये मैं नहीं चाहता। तुम उस गधे के लिए मुझे पत्थर बनाया, कैसे भाई बनाया? भी खाली, जेब भी खाली, माल खत्म हो गया तो भागो यहाँ से। अबे ओ लंबू, ये शराब खाना नेकी नाम का है, तेरे बाप का नहीं समझा? अरे तू गर्दन ऊपर से उनके आ जाएगी तेरी। अरे रे रे रे, यहाँ झगड़ा करना मना है। तो क्यों कहा कि भागो यहाँ से? माल नहीं है, मैं इस पर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा माल नहीं? तुम्हारे पास तो इतना अच्छा घोड़ा है। ठीक है, घोड़े को गिरवी रखो और फिर खेलो। बादशाह नहीं, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरी और मेरे बच्चे की रोजी है, नहीं। अरे जिगर का टुकड़ा क्या चीज है दोस्त, इंसान की इज्जत सबसे बड़ी चीज है। इज्जत की खातिर बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी पत्नी तक दांव पे लगा दी थी, वो देखो। आज तुमने बादशाह को नहीं अपने आप को बेचा है, मुझे बेचा है। मत आओ मेरे पास, ना मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ना ही तुम मेरे बाप हो। आज के बाद ना मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा, ना मैं कुछ और करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। बादशाह, 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 अब्बा हमको नहीं चाहते, अब्बा हमसे प्यार नहीं करते। बादशाह रहीम बेटे, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ना महाराज, रस्सी तोड़ के भाग गया। आप बादशाह को मत ले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ले जाइए। बादशाह को ले गए तो आप रोजी कहाँ से कमाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? मैं आपके आगे हाथ पीछे बेटे, मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब बादशाह बेटे, मैं बादशाह को तेरे लिए जरूर वापस ले आऊंगा, जरूर लाऊंगा बेटा। बेटा रोने, मैं जरूर बादशाह तेरे लिए ले आऊंगा। क्या हुआ दुनिया? देखो देखो देखो, घोड़े के बजाय टांगे को गधा कह दिया। कुछ कर रहा हूँ, मुझे करने दे बेटा। सुना नहीं आपने, सब लोग आपको क्या कह रहे हैं? वो ठीक कह रहे हैं, मैं गधा हूँ,
बहुत बड़ा गधा, वरना बादशाह को जुए में क्यों हारता। मैंने अल्लाह की कसम खाई है कि मैं गधा बनकर टांगा खींचूंगा, पैसे कमाऊंगा और बादशाह को वापस ला कर रहूंगा, बादशाह को वापस ला कर रहूंगा। रहीम, ए रहीम, 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 तू यहां बैठा है? हमें पता है तू क्यों उदास बैठा है। देख, हम तेरे लिए और तेरे अब्बा के लिए खाना लाए। ले ले ले। मुझे खाना नहीं, पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? ये ले, मेरे पास आधा ले, तू ले। मेरे पास भी है, ले ले, ये सब ले ले। मुझे 300 रुपए चाहिए। 300 रुपए? हाँ, मेरे अब्बा अपने आप को सजा दे रहे हैं। सुबह से घोड़े की जगह वो टांगा खींच रहे हैं। लोग कहते हैं कि टांगे को गधा खींच रहे हैं। जब तक बादशाह नहीं आता तब तक मेरे अब्बा को गधा बन के रहना पड़ेगा। एक तरकीब हो सकती है। वो क्या? दरिया के पास एक साधु महाराज है। साधु महाराज जी के पास क्या होगा? इतनी सुराख और एक लंगोटी। अरे नहीं नहीं, लोग कहते हैं वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बीमार को अच्छा कर सकते हैं, और अगर किसी का काम ना बनता हो तो ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि उसका काम हो जाता है। अच्छा, हम उनके पांव पकड़ लेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तो चलो चलो चलो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमें 300 रुपए चाहिए, नहीं तो घोड़े की जगह हर रोज रहीम के पिताजी को टांगा खींचना पड़ेगा। आप हमारी सहायता कीजिए। सहायता पीछे, पहले दक्षिणा। ये लीजिए। ये क्या? मेरे पास भी अठन्नी है। हाँ। 300 रुपए पाने के लिए दक्षिणा कम से कम 30 रुपए चाहिए। तो फिर क्या करें? पैसे उठाएं और चलें। कोई बात नहीं, कोई बात, तुम बालक हो, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। बड़े मेहमान महाराज। हम इस पत्ते पर एक मंत्र लिख कर देते हैं। जय शंकर। जंतर मंतर भूत भजंतर चली चलंतर अंतर बंतर तंतर भंतर जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। लो बच्चा, आधी रात को दरिया किनारे पीपल के किसी बहुत पुराने पेड़ से 30 कदम के फासले पर 2 हाथ जमीन खोद कर ये पत्ता संभाल कर उसमें गाड़ देना, फिर देखो क्या होता है। अच्छा। और हाँ, किसी को बताना नहीं, नहीं तो जंतर मंतर का असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू महाराज। नमस्ते महाराज। जय शंकर। उई माँ, अरे ओ कमबख्त, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? गधा कहेगा, चल भाग यहाँ से। सुना नहीं तूने? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बेशरम, ना दे मेरे कपड़े। आज तो तुझे कपड़े मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। Thank you.
आज के बाद गांव की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो जान से मार डालूंगा, समझा? चला जा यहां से। कुंदन, कुंदन, इस वक्त तुम होश में नहीं हो, तुमने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। शराब तुम पी रहे हो, ऐश तुम कर रहे हो। मैंने तो आज सिर्फ अपने लहू के घूंट दिए। बात क्या है? मुझे रुपया चाहिए। कौन सा रुपया? रुपया जिसके बल पर तुम आज इतने बड़े आदमी बने हो, और मैं कुछ भी। क्या बकवास करते हो तुम? अपनी जान हथेली पर रख के फॉरेन का माल कौन स्मगल करता है? मैं? पुलिस की गोलियों के सामने कौन जाता है? मैं? और दौलत सब तुम्हारी जेब में। क्यों? मुझे भी दौलत चाहिए। दौलत का हवाला? बस बार बार मुझे पुलिस की धमकी मत दो, मैं भी तुम्हारे राज जानता हूँ। भूत घर में फॉरन का सोना तुमने कहाँ छुपा रखा है? हीरे कहाँ है? अफीम कहाँ है? याद रखो, तुम भी मेरे साथ जेल जाओगे। कुंदन, आज तुम अपने बॉस पर इतने मेहरबान क्यों? क्या बात है? आज एक मामूली फूल बेचने वाली की भी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने सबके सामने मेरे मुंह पर थूक दिया। और तो और, वो दो कोड़ी का आदमी, खिलौने बेचने वाला काशी, सारी बस्ती के सामने जिसने मुझे धमकी दी कि वो मेरा खून कर डालेगा। क्यों? इसलिए कि मेरे पास दौलत है। ओ, तो काशी ने तुम्हें मार डालने की धमकी दी? खैर, परवाह मत करो, मैं तुम्हें बराबर का हिस्सा दूंगा। तो लाओ, अभी लाओ। तुम जानते हो कि हम स्मगलर लोग इतना माल अपने घर में नहीं रखते। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, आज आधी रात को तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ, ऐश करो। आज तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, जाओ। थैंक यू बॉस। कलियों से भाली
पागल हो गया क्या? कहीं दूर नहीं, यही वो जगह है। देख, मैंने यहाँ निशानी भी छोड़ रखी है, ये पत्ता। बदले लेने आया है? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। किसने भी मुंह खोला तो हम तीनों मारे जाएंगे इसी तरह। तुम जानते ही नहीं कि राम को, मगर काशी चाचा। राम राम, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, राम वादा करो, वादा करो, तुम्हें राज किसी से नहीं कहोगे, वादा करो। तुम भी वादा करो। मैं भी वादा करता हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं, पुलिस थाना है। बताओ कत्ल कैसे हुआ? कौन सा? बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हें कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं। इसे लगा मैं बंद कर दो, जल्दी ले जाओ। बस मेरा यही बयान है इंस्पेक्टर साहब। यहां पर साइन कीजिए। अच्छा, ये लीजिए। मैं जा सकता हूं? ओह यस, थैंक यू। यहाँ पर दस्तखत करो। काशी दिखने में कितना शरीफ लगता था, लेकिन निकला पूरा काटी। भाई, आदमी के दिल में क्या है, बाहर से तो दिखाई नहीं देता। अरे सुनो भाई, काशी होश में आया? अरे भाई, होश में आने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कत्ल तो उसी ने किया है। फांसी नहीं, उम्र कैद की सजा जरूर मिलेगी। क्या है तो भुगतना ही पड़ेगा। लाजवंती, कल सुबह काशी और कुंदन का झगड़ा हुआ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, काशी ने मुझे बचा लिया, वरना वो मुआ मेरी इज्जत लेने पर तुला हुआ था। काशी ने कुंदन को कत्ल की धमकी दी थी? काशी ने कहा था फिर किसी लड़की को सताएगा तो उसे जान से मार डालेगा। Oh, I see. यहाँ पर दस्तखत करो।
गवाह ले कि राम, तुम भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहो कि जो कुछ कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मकतूल कुंदन को तुम अच्छी तरह जानते थे? जी हाँ, मेरी उनकी पहचान ऐसी ही थी जैसे एक ग्राहक की दुकानदार से होती है। अक्सर वो मेरे शराब खाने पर आया करते। कत्ल की रात था, क्या कर रहे थे? जी दरअसल मैं शराब खाना बंद करने के बाद जरा घूमने का आदी हूँ, और हमेशा की तरह उस रात भी मैं नदी की तरफ घूमने चला गया था, मगर अचानक मैंने एक भयानक सी इंसानी चीख सुनी। मैं घबरा गया, मैं हड़बड़ा कर इधर उधर भागा, और मैं फिर क्या देखता हूँ कि पुराने गिरजे के खड़ों में कुंदन मरा पड़ा है, और साथ ही ये मुजरिम काशी हाथ में खून से लदा हुआ एक कुदाल लिए नशे में पड़ा पड़ा रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है, मुकदमे की कार्रवाई कल जारी रखी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हमें पुलिस थाने में जाकर सारी बात सच सच बता देनी चाहिए। देख राम, तूने हमारी दोस्ती की कसम खाई थी, यही तो मुसीबत है। ना मैं कसम तोड़ रहा हूँ और ना देख सकता हूँ जो जुल्म काशी चाचा के साथ हो रहा है। भगवान काशी चाचा की मदद करना। अरे बेटा चलो बादशाह। अब्बा बादशाह। ले अपने बादशाह को, अब ये कहीं नहीं जाएगा। घबराओ नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारी मम्मी को ठीक करूंगा, लेकिन उनके सामने बराबर एक्टिंग करना, समझे? अच्छा डैडी। वकील साहब, टॉम को क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं अपनी बीबी को सबक सिखाना चाहता हूँ। आपकी बीबी कहाँ है? अरे क्या बताऊँ, वो तो मिस इंडिया मिस यूनिवर्स बनना चाहती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई है। वो क्या होता है? वकील साहब, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, काशी को किसी भी तरह से बचा लीजिए वकील साहब। लाजो, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, तुम अपने आदमी को इतना प्यार करती हो कि हर औरत को तुम्हारी तरह होना चाहिए। जी चाहता है कि मैं तुम्हारे आंसू, मेरा मतलब तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, मिस्टर काशी के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या कहा? ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ। माँ हो? तुम कैसे माँ बन सकती हो? तुम तो मिस इंडिया हो, मिस यूनिवर्स हो, वहीं चली जाओ जहाँ से आई हो। आई सेड गेट आउट। नहीं नहीं जॉन, नहीं, आई बेग ऑफ यू। मैंने कह दिया चली जाओ यहाँ। जॉन जॉन मुझे माफ कर दो, आज मुझे पता चला कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई है, जाओ उसे सबक सीखो कि औरत क्या होती है। मैंने सबक सीख लिया है, मैंने सबक सीख लिया, दुनिया में
सबसे बड़ी चीज औलाद होती है। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। मुझे मिस इंडिया नहीं बनना, मुझे मिस यूनिवर्स भी नहीं बनना। जॉन जॉन प्लीज मुझे एक गृहस्थी औरत बनने का मौका दो, मुझे माँ बनने का मौका दो जॉन। आज होश है तुम्हें? आज मुझे मालूम हुआ कि औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी ममता होती है। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो जॉन। अगर तुम वादा करो कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रह सकता है। मैं वादा करती हूँ। एट लास्ट तुमने हम पर मेहरबानी करी थी, थैंक यू गॉड। कि वो काशी चाचा का मुकदमा लड़े। और फिर तुम्हारे डैडी ने क्या कहा? वो कहते हैं मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं। क्यों? सारे सबूत काशी चाचा के खिलाफ है, वो नहीं बच सकते। इसका पाप तो हमारा सर होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं तो वो लोग काशी चाचा को हमेशा के लिए कैद कर देंगे। लेकिन करें क्या? Thank you.
तुम्हें बताने आया हूँ चाचा, खून तुमने नहीं किया। तुम निर्दोष हो चाचा, बिल्कुल निर्दोष हो। मैं तुम्हारा काशी चाचा हूँ इसलिए ना। नहीं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर। काशी तुम निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए। चलो निर्दोष है। सफाई तो उस बात की होती है जिसके बारे में कुछ मालूम हो, कुछ पता हो। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। योर ऑनर, मुल्जिम का बार बार यही कह जाना अदालत को गुमराह करने के लिए ढोंग है, एक चाल। हुजूर, अगर वाकई मैंने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। नहीं, नहीं। जज साहब, कस्टर जी की तरफ से मैं सफाई पेश करूंगा। योर ऑनर, एक बच्चा क्या सफाई पेश करेगा। योर ऑनर, मुल्जिम के वकील की हैसियत से मुझे पेश होने की इजाजत दी जाए। इजाजत दी जाती है। योर ऑनर, क्या मैं इस बच्चे से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोसीड। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तुम काशीराम और इस कत्ल के बारे में क्या जानते हो? काशी चाचा निर्दोष है, उन्हें छोड़ दीजिए, काशी चाचा निर्दोष है। यह अदालत बतलाएगी। प्रोसीड। कत्ल के समय तुम वहां थे? जी जी हाँ। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं, टॉम और रहीम तीनों साधु बाबा के दिए हुए पीपल के पत्ते को जमीन में गाड़ने गए। अब मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि जिस जगह कत्ल हुआ वहां से क्या क्या चीजें मिली है अदालत के आगे पेश की जाए। यह मालूम करने की कोशिश की गई थी कि बड़ के पेड़ के नीचे पीपल का पत्ता कहां से आया? योर ऑनर, कहीं से भी आ सकता है, हवा में उड़ के आ सकता है। और एल्युमिनियम की प्लेट? प्लेट तो हवा में उड़कर नहीं आ सकती। योर ऑनर, इस केस के साथ इसका क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, पीपल के पत्ते पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। जंतर मंतर चली जलंतर भूत भजंतर। योर ऑनर, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस केस। अब मैं अपने दोस्त से ये सवाल पूछूंगा कि पीपल का पत्ता, एल्युमिनियम की प्लेट और ये बड़ी कुदाल वहां क्यों थे जबकि छोटी कुदाल से काशी ने कुंदन का कत्ल किया है। इन सब चीजों के बारे में मेरे दोस्त ने तस्दीक की। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि खूनी कोई और है। योर ऑनर, तो फिर काशी राम के कमीज में खून के धब्बे कहां से आए? मैं बताता हूँ जस साहब, काशी चाचा नशे में थे, वो कुंदन की लाश पर गिर पड़े, इसलिए उनके कपड़े खून से भर गए। लेकिन सही खूनी की कमीज हमारे पास है। तो कहां है वो कमीज? रहीम, नेकी राम जब कुंदन का कत्ल करके भाग रहा था तो उसने देखा कि उसकी कमीज पर खून के दाग है। उसने जल्दी से कमीज उतारी और जरा से फासले पर मलबे के ढेर के नीचे छुपा के भाग गया। उसे रोकिए, नेकी राम भाग रहा है, पकड़िए, वो खूनी है, उसे पकड़िए। अरे तू किसके खिलाफ बोल रहा है? तू जानता नहीं उस जल्लाद को? कातिल है वो, खूनी है। कहीं उसने सुन लिया तो वो तेरे भी खून का प्यासा हो जाएगा। तू नहीं जानता, तेरे पिताजी की जान भी उसी ने ली थी। मौसी, इस औरत को हिरासत में ले लिया जाए। भूत घर में अगर कोई भूत है तो वो नेकी राम और उसके साथी। मैं उनके काले धंधों से डरकर हमेशा राम को मना करती रही कि वो भूत घर की तरफ न जाए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि तुम्हारे बहनोई श्यामलाल का कत्ल नेकी राम ने किया, जिस वजह से मिसेस श्यामलाल यानी कि तुम्हारी बहन का हार्ट फेल हो गया। सारी बातों के बावजूद तुमने नेकी राम के जुर्मों पर पर्दा डाले रखा। इसी कारण मैं चुप रही। नेकी राम मेरा सगा भाई है। पहले तुम और सुपर बनी ये सारा माल यहां से निकाल। यस बॉस। सुपर बनी, यस बॉस। कम ऑन।
डर गई मगर कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं राम को खत्म करूंगा। नहीं भैया नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे राम को कुछ ना करो। भैया मैं तुमसे बड़ी हूँ फिर भी मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं पहले कहा तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांग रही है। भैया बहन से प्यार की ही कहानी थी ना जो तुमने कचहरी में सुनाई थी। हट जाओ। नहीं 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 भैया तुम मेरी जान ले लो। ये चाकू मेरे सिर पे उतार दो लेकिन मेरे राम को कुछ ना करो। भैया मैं तुम्हारे हाथ हट जाओ। चर्च में चलकर मदर मेरी क्या क्या प्रे करेंगे। वो बच्चों की प्रेयर हमेशा सुनती है। वो तुम्हारी मौसी को जरूर बचा लेगी। सच? हाँ। तो फिर जल्दी चलो। चलो
मदर मैरी ने तुम्हारी प्रेयर सुन ली, देखो वो मुस्कुरा रही है। मेरी मौसी ठीक हो जाएगी, वो बच जाएगी। सच रानी, राम तुझे मिला था। हाँ आंटी, राम बड़े गुस्से में था, कह रहा था मैं नेकी राम से बदला लूंगा। अच्छा आंटी, मैं जाती हूँ। कहा गया था तू? और आज तुझे मैं इतना मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्यों गया था? क्यों गया था? क्यों गया था? मेरा मजाक उड़ाता है। मरते वक्त तुमने मुझे वचन लिया था तो मैं राम की देखभाल करूंगी, लेकिन मैं मजबूर हूं दीदी, मैं राम को नहीं संभाल सकती। इससे पहले कि राम को कुछ हो जाए, भगवान मुझे मौत दे दे, मुझे उठा लो। नहीं मौसी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैंने मदर मेरी से प्रार्थना की है कि मेरी मौसी को मुझसे मत छीनना। मदर मेरी ने मेरी बात मान ली है मौसी, वही तुम्हारे बदन को ताकत दे रही है। मुझे खूब जोर जोर से मारो मौसी, ताकि तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओ। तुम मदर मेरी के पास गया था मेरे लिए, और मैंने तुझे कितने देर रहने से पीटा। मुझे माफ कर दे मेरे लाल, मुझे माफ कर दे बेटे। मैं तो तेरे भले के लिए कहती हूँ, तू एक पल के लिए भी घर से बाहर ना जा, तू एक चिन के लिए भी मेरे पलकों से ओझल ना हो। काशी को बाइज्जत रिहा करती है और नेकी राम को मुजरिम करार देती है। पुलिस को ताकीद की जाती है कि वो जल्द से जल्द मुजरिम को अदालत के सामने पेश करे, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अदालत बर्खास्त की जाती है। लाजो, तेरी आंखों में आंसू। लाजो, लाजो नहीं, पगली कहो मुझे। आज मैं मारी खुशी के पगली हूं। नहीं लाजो, तू नहीं, मैं पगला हूं। यह आज मेरी समझ में आया, तू ठीक ही कहती थी। मैं बीते दिनों की परछाइयों में गिरा हूं, लेकिन अब मैं उन परछाइयों से निकल आया हूं। ये देख, यही तो मेरे बच्चे हैं। मेरे राम का क्या होगा? मेरे बच्चे को उस पापी से कौन बचाएगा? मैं जो हूं बहन जी, राम और मेरा बेटा, मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। वो नेकी जहां कहीं भी होगा, मैं उसे बदला लूंगा, उसे पकड़ ले आऊंगा।
छोड़ दे। मेरे भैया तुम नहीं जानते वो पापी लेके मेरे राम को मार डालेगा मेरे राम को मार डालेगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी राम को लेकर आता हूँ। आप राम के बारे में चिंता कर रही थी, राम तो हम सब का रक्षक है। आज इसने इस गांव से पाप का नाम तक मिटा दिया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। गोरी चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारू।